हेलो, दिस इज एक्ज़ फ्रॉम एक्ज़ गेमिंग YT। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी जा रही होगी। एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और सुबह सुबह एक नया क्रेट आ चुका है पबजी के अंदर, वन ऑफ माई फेवरेट क्रेट्स, इट्स कॉल्ड द लकी क्रेट। और अगर आप क्रेट सेक्शन में जाएं तो फोर्थ नंबर पे यू विल सी द पबजी लकी क्रेट। और ये इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि 10 स्पिन्स जो है दैट ओनली कॉस्ट 270 UC। और इसमें आपके पास लक मीटर भी होता है जिसमें आपको कंफर्म 100 पे कुछ ना कुछ लेजेंडरी मिलता रहता है। सो देयर इज अ ग्रेट चांस टू गेट द मिथिक और द लेजेंडरी आइटम्स। सो दिस इज माय फेवरेट क्रेट इन होल पबजी, क्योंकि इसमें कम यूसी लगते हैं और काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट। मैं नया हूँ यूट्यूब पे, सो आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस। जो भी वीडियो देख रहा हो, एक दफ़ा सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर दो, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और नई वीडियोज आपको मिल सकें। सो क्रेट अब ओपनिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। देर यू गो, यहाँ पे हमारे पास विच कोवन आउटफिट है। अब इसमें अगर मुझे दो चीज़ें चाहिए, वन इज़ द आउटफिट एंड द सेकंड वन इज़ द M416। अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिल गई और एक ना मिली तो आई ट्राई अगेन जब इसकी क्लोजिंग डेट आ रही होगी इस क्रेट की 24 डेज के लिए। तो स्टिल ये हमारे पास पबजी के अंदर है, तो देखते हैं फर्स्ट 10 की स्क्रीन में। देयर वी गो, फर्स्ट पेन, फर्स्ट लेजेंडरी और फर्स्ट ही हमें आइटम लेजेंडरी मिल गया। सो यहाँ आपके पास चॉइस जो है और जो लक है आपकी बहुत अच्छी जाती है इस क्रेट में। सो ऑलवेज़ गो फॉर दिस टाइप ऑफ लकी क्रेट्स, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और मैंने 8000 UC ही लोड करवाए थे और 8000 के अंदर ही मैं अपनी लक को टेस्ट करना चाह रहा था। और बाय द वे, मैं ऑफ टाइम पे कर रहा हूँ इन द आफ्टरनून, सो लक का कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें स्केप पैटर्न चल रहा है। देयर वी गो, सेकंड लेजेंडरी इज इन द हाउस और स्लीपी बेयर पैराशूट हमें मिल चुका है। ये काफ़ी क्यूट पैराशूट है यार, बहुत अच्छा पैराशूट है, मुझे अच्छा लगा है। सो यहाँ पे हमें थर्ड भी मिल चुका है लेजेंडरी, स्लीपी बेयर का जो हेड गियर था वो हमें मिला है। और यहाँ पे स्केप पैटर्न ही चल रहा है। और अगर आपने चीज़ें निकाली हैं स्केप पैटर्न पर, देयर वी गो अगेन एंड अगेन। ओ भाई साहब, ना करो यार, इन जस्ट 2500 UC और मुझे, बल्कि उससे भी कम में यार, 2000 UC में मुझे मिथिक मिल चुका है। नाउ आई ओनली वांट इज द M416 और वो मुझे लगता है देयर वी गो। यहाँ पे हमें बैकपैक भी मिल चुका है। एंड बाय द वे गाइस, इसका जो हेलमेट था वो मैंने सुबह वैसे ही सिंगल स्पिन की थी, उसमें मुझे मिल चुका था। सो हेलमेट भी मेरे पास है स्पिन का। और द ओनली थिंग नाउ मिसिंग इज द M416। और अब मुझे लग रहा है कि गेम ग्लिच हो चुकी है और अब मुझे नहीं कुछ मिलने वाला, क्योंकि जो पैटर्न आ रहा है उसमें क्वाइंस और स्क्रैप कूपन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये इंडिकेशन होती है कि यहाँ इधर गेम ग्लिच हो गई है, रीस्टार्ट करें या ब्ला ब्ला ब्ला। सो लेकिन मैं फिर भी इसको वन गो में ही जाने दूंगा। अगर मेरी M416 ना निकली नहीं 8000 UC, तो मैं इसकी क्लोजिंग डेट के करीब करीब एट द एंड ऑफ दिस मंथ मैं दोबारा एक दफ़ा ट्राई करूंगा विद 6000 to 5000 UC कि मेरी M416 निकल आए, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड। और काफ़ी अच्छी और कूल स्किन है यार, मेरे पास वैसी M416 की सिर्फ 10 to 12 स्किन्स हैं। सो मुझे थोड़ी सी इन्वेंट्री बिल्ड करनी है इसके लिए, बट आई गॉट द मिथिक। द बेस्ट पार्ट ऑफ ये है कि मुझे 2000 UC में मिथिक मिल चुका है अलॉन्ग विद द अदर रेस्ट ऑफ द आइटम्स। सो काफ़ी अच्छी क्रेट ओपनिंग गई है। और गाइज, मेरी एडवाइस है पर्सनल कि आप ज़रूर इसकी क्रेट ओपनिंग करें, फ्री का मिथिक है भाई, ले लो। और ये KR वर्जन में बेसिकली ये दोनों चीज़ें आई थी, वहाँ से उठा के इन्होंने पबजी ने रातों रात ये इवेंट लॉन्च कर दिया है। कोई लीक्स नहीं थे इसके, कुछ नहीं। और ये ड्रेस तो हमें भाई ऐसे मिला जिस तरह पता नहीं, ठीक है बियर पजामा सूट समथिंग इसका आउटफिट नाम है इसका। लेकिन देयर वी गो अगेन, बार बार मुझे लगता है कि शायद मेरी M416 ये खा गया है सूट, और अभी तक तो मुझे M416 नहीं मिली। ट्राई करते रहेंगे, शायद मिल जाए, क्योंकि इसमें लक मीटर है, यू नेवर नो आपको कब मिल जाए। लेकिन ये अच्छी है, काफ़ी अच्छी स्पिन है गाइस। सो ऑलवेज गो फॉर दिस टाइप ऑफ लकी क्रेट्स। लकी जो क्रेट है आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, हमेशा कुछ ना कुछ नया और डिफरेंट लेके आते हैं पबजी वाले लकी क्रेट्स में। सो इसकी ओपनिंग किया करें। और इसमें एक बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा है कि इसमें आपको आरपी पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। अगर आप एक क्रेट खोलते हैं आपको 5 RP पॉइंट्स मिलेंगे। सो अगर मैं 8000 में करता हूँ तो राउंड अबाउट मुझे 1800 RP पॉइंट्स फ्री के मिल जाएंगे। और उससे आप RP क्रेट्स भी परचेज कर सकते हैं
या आप इमोट्स परचेज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मेरे पास कुछ यूसी बचे थे, सो आई थॉट के वाई नॉट सिंगल ट्राइज पे जाते हैं, शायद कोई लक जाग पड़े हमारी, क्योंकि M416 भाई है और नहीं मिली हमें, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह इस मंथ के एंड में हम उसके लिए दोबारा ट्राई करेंगे। दिस M416 यार मिल जाती, बाकी सब चीज़ें भाई के पास आ चुकी हैं और काफ़ी अच्छी लग गई है। अब मैं आपको इन्वेंट्री चेक करवा देता हूँ जो जो चीज़ें मुझे मिली हैं। दिस इज़ द सूट, और ये पता नहीं कितनी 4 से 5 दफ़ा मुझे मिल चुका है। दिस इज़ द बेयर पजामा सूट, समथिंग इस तरह का कुछ नाम है, सिली से इसका, बट इट्स अ लेजेंडरी सूट, सो एवरी थिंग काउंट्स वेन इट कम्स टू द इन्वेंट्री। सो दिस इज द मेन थिंग, द विच कॉवन सेट, और इसके साथ इसका हेड पीस प्लस इसकी सन ग्लासेस। दिस इज द होल सूट, सो देयर इट इज, आप देख सकते हैं पूरा, दिस इज द होल थिंग। काफ़ी कूल सेट है, फीमेल करेक्टर्स जिन जिनके पास है उनकी तो ईद होने वाली है, काफ़ी कूल सेट है फीमेल्स के लिए। सो मुझे मिथिक फैशन के लिए ही चाहिए था, मुझे मिथिक फैशन कंप्लीट करना है, आई एम रियली क्लोज टू मिथिक फैशन। सो मेरे लिए तो भाई फीमेल हो या मेल हो, लेकिन मिथिक हो, एवरीथिंग काउंट्स। सो दिस इज़ द बैकपैक, और काफ़ी अच्छा इसके साथ मैचिंग बैकपैक है, बट जो इसका हेलमेट था वो इतना कोई मैचिंग नहीं था। दिस इज़ द पैराशूट, स्लीपी बेयर पैराशूट, काफ़ी कूल पैराशूट है, 3D टाइप्स है, मज़े की चीज़ बनाई है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिसने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू कमेंट एंड लाइक माय वीडियोस। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें, और काफ़ी सपोर्ट आपकी तरफ से शो हो रही है, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू, और जो जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स ExerGamingYT, डू फॉलो मी ऑन टिकटॉक, इट्स ExerGamingYT। कोई क्वेरी हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कुछ हो, डू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम काफ़ी एक्टिव रहता है। सो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, डू फॉलो मी एंड डू मैसेज मी। और आर्क लॉट सेट आ रहा है आपके पास, न्यू एक्स सूट, सो उसकी भी ओपनिंग करेंगे इंशाल्लाह, उसको आई ट्राई टू मैक्स इट आउट। उससे पहले प्रीमियम क्रेट भी आएगा आपके पास, वो भी ओपन करेंगे। सो काफ़ी नई वीडियोस आने वाली हैं, एंड स्टे इन टच, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, मुझे जल्दी से जल्दी 1K हिट करवा दें ताकि हम लाइव स्ट्रीम और गिव अवेज दोबारा स्टार्ट कर सकें। इंशाल्लाह इस मंथ के आखिर तक लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, सो हम कस्टम रूम्स और मैचेस सब कुछ खेलेंगे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी, और जो जो मुझे साथ खेलना चाहता है। इतने प्रो प्लेयर नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ ज़रूर खेलेंगे जितना भी खेल सके। सो इसी तरह सपोर्ट शो करते रहा करें, इसी तरह सपोर्ट करें, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। बड़े यूट्यूबर्स तो भाई हमें लिफ्ट भी नहीं कराते, सो आप लोग ही मुझे थोड़ा सा सपोर्ट शो कर सकते हैं, और आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज। इसी तरह बस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। दिस इज योर बॉय एक्सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।